स्वागत है आपका बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डस्टबिन बैग के बारे में। जो डस्टबिन के ब्लैक कलर के कवर रहते हैं कचरा डालने के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, कौन सी साइज में अवेलेबल है, घर के लिए कौन सा ज़्यादा चलता है और इंडस्ट्री एरिया के लिए कौन सा ज़्यादा चलता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास डिस्पोवेल कंपनी का डस्टबिन बैग्स है मेरे पास, गार्बेज बैग्स इन रोल ऐसा भी बोलते हैं इसको। इसकी साइज़ है 48 सेंटीमीटर × 54 सेंटीमीटर। ये मीडियम साइज़ की है, ये आप देख सकते हैं। हमें एक में 30 रोल्स मिलते हैं इस तरह से, ये देखिए, ये इसका साइज़ लिखा है इधर। ये 30 रोल्स है, 1x1 ये रोल्स रहते हैं। उसके बाद ये छोटा साइज़ में हो गया। ये मुझे फ्रेंड्स होलसेल में मिलता है, MRP से 40% लेस मिलता है ये। अगर हमें दुकान के लिए चाहिए डजन से माल लेना होगा तो ये मुझे 38 रुपीज़ का मिलता है, जिसका मिनिमम 50 या 60 रुपीज़ तक रिटेलिंग होती है। उसके बाद ये इंडस्ट्री एरिया के लिए ज़्यादा सेल होने वाला आइटम है, डिस्पोवेल कंपनी का डस्टबिन बैग। 15 एक्स्ट्रा बैग इसमें दिए हुए हैं। ये मुझे मिला था 120 रुपीज़ का, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 140 या 145 रुपीज़ तक होती है। ये डस्टबिन बैग है, इसका साइज़ 76 सेंटीमीटर × 94 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही बड़ा साइज़ का है, आप इधर एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज मीडियम या फिर स्मॉल साइज़ के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास गार्बेज का कुछ मटेरियल था जो हमें डस्टबिन के लिए यूज़ आता है, इस तरह के डस्टबिन में हम उसको डाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।